शाकाहारी शाम के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। तो आज हम आए हैं बॉम्बे स्पेशल पाव भाजी अंकल की स्पेशल पाव भाजी पे। आओ मैं आपको इसकी लोकेशन समझा देता हूँ। जब आप लोग फिरोजपुर रोड पे वेरका मिल्क प्लांट से वेव की ओर जाएंगे तो अगर नगर बी ब्लॉक से पहले जो रोड मिलती है बीरस नगर, वहाँ पे अंकल का ठेला है। बाकी इसकी लोकेशन आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आइए शुरू करते हैं बॉम्बे स्पेशल पाव भाजी खाने के लिए। इनको हम प्यार से अंकल की पाव भाजी बोलते हैं। अंकल आपका नाम क्या है? रामचरण शर्मा जी। रामचरण शर्मा जी, अंकल आप यहाँ पे मतलब कब से हो यहाँ पे? मतलब कितनी देर से आप पाव भाजी का यहाँ पे स्टॉल लगा रहे हो? कब से यहाँ पे हो? सन 1994 से ये यहाँ पे हैं। लगभग 25 ईयर्स हो चुके हैं इनको। अंकल आप कहाँ से हो वैसे? पीछे से मतलब राजस्थान से हो आप? राजस्थान से आप बॉम्बे की पाव भाजी भेज रहे हो? ठीक है, ओके। तो इसे कहते हैं पंजाब में बॉम्बे की पाव भाजी बना रहे हैं राजस्थान के शख्स। चलो आपके टाइमिंग्स क्या रहते हैं, मतलब कितने बजे आप शुरू करते हो और कितने बजे आप बढ़ा देते हो? 4 बजे से लेके रात के 10:30 तक ये यहाँ पे रहते हैं। पाव या कुछ भी बताइए आप। बस एक प्लेन होती है, एक मस्का होती है। ठीक है, एक प्लेन पाव भाजी, एक सिंपल वाली और एक मस्का पाव भाजी। एक प्लेन है और एक मस्का पाव भाजी है। और आज हम यहाँ पे ट्राई करने वाले हैं इनका एक स्पेशल पाव भाजी और साथ में हम करेंगे एक मस्का पाव भाजी। ठीक है, डन। देखा है कि पूरा बटर से भरा हुआ है। भाजी भी बटर में बनी है, भाजी के ऊपर भी बटर है, पाव के अंदर भी बटर है, पाव के बाहर भी बटर है। बटरी 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 हो रहा है सारा। ठीक है, तो हियर बिगिन द टेस्ट टेस्ट ऑफ द, तो देखते हैं खा के पाव भाजी। ये तो बटर में झुलस गई है। बहुत ज़्यादा बहुत बहुत ज़्यादा है। मतलब अगर इसको इसके अंदर डालो ना भाजी के अंदर तो करेगा और ऐसे करो जल्दी भूल जाएगा, कुछ चबाने का जरूरत नहीं पड़ेगा। ये बटर से भरा हुआ नहीं है, तो बहुत सॉफ्ट है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। मिर्ची थोड़ी ज़्यादा है इसमें, बट अगर आप बोलेंगे तो मिर्ची आपको कर देंगे बैलेंस। बट इट्स वेरी सॉफ्ट, वेरी वेरी गुड पाव भाजी, वेरी गुड पाव भाजी, बहुत ही ज़्यादा अच्छी। यार ये बटर देख रहे हो, मतलब बटर ही बटर है ये। अगर आपको मोटा हो, अरे तो बड़ा कोइंसिडेंट, हमने मस्का पाव भाजी खाई है और हमें मस्के लगाने वाला हार्दिक दत्ता आ गया। तो हार्दिक हैव अ लुक एट द मस्का पाव भाजी।
Have a look at a Hardik Pav Bhaji. पहले तो call खोल दूँ ये. नहीं नहीं. 5 मिनट हो चुके मुझे आए को कहते हैं जब मस्का पाव भाजी है तभी आना. वो dialogue मार लेना तेरे ऊपर है. मार के. Okay guys, so here we look. खाने में ही देखने में खतरनाक लग रहा है. यहाँ पे चम्मच दो क्यों भाई? चम्मच तीन चाहिए तेरे को? भैया एक चम्मच और ला दो. खाओगे नहीं? मेरे को लगा सर आप देखने के लिए हो तेरे. देखेंगे और खाएंगे. ओह माय गॉड. इसके अंदर हमें बटर के अलावा कुछ भी नहीं दिख रहा. यार अंग्रेज नहीं बना, हाथ से खाओ, देखी जाएगी. ओह यार तो टूट रहा हाथ से भाई. नहीं चम्मच ही ठीक है, चम्मच ही ठीक है. ये मतलब आपको ना जोर नहीं लगाना पड़ेगा इसको. हाँ काटने के लिए या कुछ. ठीक है तो आपने बस ऐसे चम्मच डालनी है और वो ऑटोमेटिक कट रही है. हाँ अपने आप जा रहा है, ज़्यादा एफर्ट्स करने का जरूरत नहीं पड़ रहा. This is called effortless. My God. मतलब आप कितने भी health conscious हो लेकिन जब आप इस जगह पे आओगे तो आप रुक ही नहीं सकते. मतलब cannot ignore this food. ये पाव भाजी वाले खाने में ना आपको दांत की जरूरत नहीं है. जिसके दांत नहीं वो भी खा सकता है मेरे ख्याल से. इतना soft है भाई ये. मतलब मिनल भाई जब बूढ़े हो जाएंगे तब भी खा पाएंगे. अरे यार मैं पिछले 15 साल से तो मैं ही आ रहा हूँ. जब छोटा था तब से पाव भाजी खा रहा हूँ. मुझे 15 दिन हुए. रियली अमेजिंग गाइस. मस्का पाव भाजी जितनी देखने में टेम्पटिंग है उतनी खाने में टेम्पटिंग है. खाने में उससे ज़्यादा टेम्पटिंग है. ये तो आपको किसी भी हालत में मिस नहीं करनी. बॉम्बे स्पेशल पाव भाजी या अंकल की पाव भाजी भी यहाँ पे आएँ. और गाइस ये इनके मस्का वाले पाव भाजी तो मस्ट ट्राई है ना. ये तो ये इसको यही खा लेना और कुछ नहीं लेना. एंड आई थिंक दिस वन अगेन. तो आई वुड रिकमेंड कि आप यहाँ पे ज़रूर आएँ. मस्का पाव भाजी तो आप ज़रूर इनको ट्राई करें. और हमें फेसबुक पे फॉलो करें, हम इंस्टा पे फॉलो करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें नई नई जगह रिकमेंड करें ताकि आपको जाके नई हम जेन्युइन और असली रिव्यू दे सकें. सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.